हेलो दोस्तों, परमल की सब्ज़ी तो सभी के घर में बनती है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मसाले वाली परमल की सब्ज़ी। बनाने में एकदम सिंपल है ये सब्ज़ी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप सभी का स्वागत है मधु अन्नपूर्णा के चैनल पर। दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो चलो शुरू करते हैं परमल की सब्ज़ी बनाना। 500 ग्राम परमल हैं ये, इन्हें पहले ऊपर से काटना है और नीचे से काटना है, दोनों साइड से काट देना है। इस तरह से इसके छिलके को छील देना है, पतला पतला छीलना है, छिलके को मोटा नहीं उतारना है। और इस तरह से काट के नहीं है, आप इसको गोल भी काट सकते हो, मैं लंबे साइज में काट रही हूँ। ये जो पीले बीज हैं पके हुए इनको निकाल देना है और जो कच्चे बीज हैं उनको हमें सब्जी में डालेंगे। पके हुए बीजों को मैंने निकाल दिया है और चार पीस करे हैं मैंने परमल के, और चारों को एक बार बीच में से और काट दूंगी मैं। साइज़ को आप अपने अनुसार काट सकते हो, जिस तरह का आपको साइज़ चाहिए, गोल भी काट सकते हो। कच्चे परमल हैं जो, इनके बीज मैं निकालूंगी। बीजों को भी मैं इस्तेमाल करूंगी, बाद में बताऊंगी मैं बीजों को कैसे इस्तेमाल करूंगी। इसके भी मैं चार पीस काट लूंगी इसी तरह से। सारे परमल को मैंने काट के नहीं है, धो लिया है और एक जाली के बर्तन में रख देना जिससे कि इसका पूरा पानी निकल जाए। ग्रेवी बनाने के लिए दो टमाटर लिए हैं मैंने, दो हरी मिर्च लिए हैं, एक इंच अदरक का टुकड़ा है और कच्चे परमल के बीज हैं। पके बीज मैंने सारे निकाल दिए थे, ये कच्चे बीज हैं परमल के। टमाटर को मोटा मोटा काट लिया है मैंने, इसी में परमल डाल दिए हैं। पेस्ट बना के मैं रख दूँगी इसका। दो आलू लिए मीडियम साइज़ के, दो मैंने प्याज लिए बारीक काट लिए प्याज मैंने, ये सूखे खड़े मसाले हैं। दो लौंग हैं, दो इलायची हैं, 10-12 काली मिर्च हैं, दो लाल मिर्च हैं, आधा चम्मच जीरा है, एक टुकड़ा दालचीनी का है और एक तेज पत्ता है। मसाले का मैं पेस्ट बना के रखती हूँ। दो चम्मच ये धनिया पाउडर है, आधा चम्मच है गर्म मसाला, 1/4 चम्मच है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में। हरी मिर्ची भी डाली है हमने, काली मिर्ची भी डाली है, आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो और तीखा करने के लिए सब्ज़ी को। सूखे मसाले का पेस्ट बना कर रखना है तो मसाले हमारे फूल जाएंगे। फूले हुए मसाले का अच्छा टेस्ट आता है, डायरेक्ट हम डालते हैं तो मसाले हमारे जल जाते हैं। पानी मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी को मसाले सोख लेंगे और एकदम गाढ़ा मसाला हमारा बन जाएगा ये। 1.5 चम्मच डाला है मैंने सरसों का तेल। तेल का टेम्परेचर थोड़ा गर्म कर लेना है पहले। तेल हमारा गर्म हो गया है तो मैं इसमें परमल फ्राई करूँगी। पहले परमल को फ्राई करेंगे इसलिए हमें थोड़ा तेल ज़्यादा चाहिए सब्ज़ी में। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे गैस का और हम इन्हें 3-4 मिनट फ्राई करेंगे अच्छे से। 30% तक हम इन्हें फ्राई करके नहीं पका लेंगे। देखो 2-3 मिनट हो गए हैं, काफ़ी कलर चेंज हो गया है, सॉफ्ट हो गए हैं एकदम परमल। 3-4 मिनट मैंने फ्राई कर रहे हैं। मैं एक जाली के बर्तन में परमल को निकाल लूँगी, इससे एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा इसका पूरा परमल का। परमल मैंने निकाल लिए, इसी तेल में मैं आलू फ्राई करूँगी। आलू को भी हम 2-3 मिनट फ्राई करेंगे कलर चेंज करने तक। 30% तक हम फ्राई करके ही पका लेंगे आलू को। देखो अच्छे से हमारी फ्राई हो गए हैं आलू, कलर भी चेंज हो गया है आलू का। इस तरह से आप परमल की आलू की सब्ज़ी बनाओगे तो बच्चे भी इसको खुश होकर खाते हैं, नहीं तो बच्चे परमल खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। आलू मेरे फ्राई हो गए हैं, आलू को भी मैं निकाल लूँगी। आलू को और परमल को मैंने एक ही बर्तन में निकाल लिया है, जो मेरा तेल बचा है इसी में मैं सब्ज़ी बना लूँगी। देखो प्लेट में कितना तेल आ गया, इसे मैं सब्ज़ी में डाल दूँगी। आप एक इसके नीचे कटोरी लगा कर रखना तो तेल पूरा नीचे निकल जाएगा। इसी तेल में मैं मसाले डाल दूँगी जो खड़े मसाले हैं। तेल कम रहता है तो आप इसी में और तेल डाल लो। खड़े मसाले मेरे भुन गए हैं, 2 चुटकी में डाल रही हूँ हींग। हींग और जीरा हमारा भुन गया है, मसाले हमारे भुन गए हैं।
तो 2 मीडियम मैंने प्याज जो काट कर रखी थी मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को हम 2-3 मिनट भूनेंगे ब्राउन कलर आने तक। मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला है, आप लहसुन खाना पसंद करते हो तो 2-3 पुती डाल सकते हो कूट के आप लहसुन की। इसमें प्याज का कलर ब्राउन हो गया, भुन गई है हमारी प्याज अच्छे से। अब मैं डाल रही हूँ इसमें मसाले जो मैंने पानी में फुला के रखे थे मसाले। देखो एकदम गाढ़े हो गए हैं मसाले, मसालों ने पूरा पानी सोख कर लिया है। मसालों को हम 1-2 मिनट भूनेंगे। देखो मसाले हमारे भुन गए हैं, तेल छोड़ दिया है मसालों ने। अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का जो पेस्ट बना कर रखा था मैंने। टमाटर के साथ ही मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक डालने से ना टमाटर जल्दी गल जाएंगे। टमाटर के पेस्ट को भी 3-4 मिनट फ्राई करना है अच्छे से चला के। मसालों को 1 मिनट में ढक के रख दूँगी। देखो 1 मिनट के बाद हमारे मसाले भुन चुके हैं, मसालों ने किनारों से तेल छोड़ दिया है। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी पानी, 2 कटोरी पानी डालूँगी मैं मसाले में। मिक्सी जार को मैंने धो लिया था, उसी का ये पानी है 1 कटोरी। 1/2 कटोरी पानी और डाल रही हूँ मैं, मुझे पानी कम लग रहा है इसमें। पानी में 1 उबाल आने के बाद मैं सब्ज़ी डाल दूँगी जो मैंने फ्राई करके सब्ज़ी रखी है। मसाले में उबाल आ गया तो मैंने परमल डाल दिए, इसमें आलू डाल दिए हैं। परमल को आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे आलू में, हमारी अच्छे से कोटिंग हो जाए आलू पे और परमल पे। अच्छे से मिक्स करके परमल को और आलू को 10 मिनट रख देंगे हम स्लो गैस पे। 10 मिनट के लिए एकदम मैंने स्लो गैस पे रख दी है सब्ज़ी बनने के लिए। 10 मिनट के बाद मैं सब्ज़ी को चेक कर रही हूँ। देखो सब्ज़ी हमारी बनकर नहीं है, तैयार है। आपको मैं एक आलू निकाल कर फोड़ कर दिखाऊँगी। आलू हमारे गल गए हैं, गैस का फ्लेम मैं बंद कर रही हूँ। मुझे नमक कम लग रहा है सब्ज़ी में तो थोड़ा सा नमक डाला है मैंने ऊपर से, और इसे मैं मिक्स कर दूँगी सब्ज़ी को। आलू परमल की सब्ज़ी बन के तैयार है। अब मैं इस ऊपर से गार्निश के लिए हरा धनिया काट दूँगी। ठंडी होने के बाद एकदम हमारा रसा इसका गाढ़ा हो जाएगा सब्ज़ी का। दोस्तों आलू और परमल की सब्ज़ी मेरी बन के तैयार है। आपको मेरी सब्ज़ी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए।